हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन ऑफ ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 सितंबर 2019। ये कुछ पेड कोर्सेज हैं ओनली आईएएस की तरफ से, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इनको ज्वाइन करने के लिए वो video.onlyias.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर इन मेल आईडीज पर हमें मेल करके अपने पर्सनल क्वेरीज को भी रिजॉल्व करा सकते हैं। देखते हैं आज हमारे बास्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है वो है इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड विलेज। इसका नाम है विजयनगर। आप यहाँ पर मैप में देखना, ये रहा विजयनगर। ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ पर जो ये विजयनगर गांव आप देख रहे हो, ये म्यांमार से तीन साइडेड से सराउंडेड है, और जो चौथा साइड बच रहा है वहां पर हमें मिलता है नामदफा नेशनल पार्क। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने एक रीसर्फेस्ड रनवे का यहां पर इनॉग्रेशन किया है। अब जब बात हुई है नामदफा नेशनल पार्क की, तो एक बार उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है और इंडिया का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा आप इसके चारों तरफ और भी बहुत सारी चीज़ों को लोकेट कर सकते हो, जैसे कि मिशमी हिल्स का एक दफाबम रिज है। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज और पटकाई रेंजेस के बीच में भी इसको सिचुएटेड देख सकते हो। इसकी एक और स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जिसका नाम है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, वो यहाँ पर मिलती है। और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नामदफा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक प्रकार की इंडेमिक स्पीसीज है स्क्वायरल की, जो कि केवल और केवल यहाँ पर ही इंडेमिक पाई जाती है। अगला आर्टिकल हमारा INS खांदेरी से रिलेटेड है। खांदेरी, जैसा कि आप नाम देख रहे हो, ये एक्चुअल में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक आइलैंड हुआ करता था इस नाम से। इसी आइलैंड के नाम पर इस INS खांदेरी, जो कि एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, इसका नाम रख दिया गया है। ये दरअसल प्रोजेक्ट 75I के अंदर का एक पार्ट है। 75I प्रोजेक्ट क्या है? ये इस प्रोजेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि 6 बड़े बड़े स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को हम डिजाइन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, और इसके लिए हमने फ्रांस के नेवी ग्रुप से कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया है। अब ये पूरा का पूरा 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मजगांव डॉक लिमिटेड में बन रहा है। अब ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि ये INS खांदेरी जो है, ये एक्चुअल में इस पूरे 6 सीरीज का सेकेंड नंबर का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। जो पहला सबमरीन था जिसका नाम था INS कलवरी, उसको हमने ऑलरेडी कमीशन कर दिया था। अब INS खांदेरी का भी कमीशन 20 सितंबर 2019 को होने वाला है। इसी रेस्पेक्ट में हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। अब जो ये INS खांदेरी है, इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को बिल्ड किया गया है, जिसके बेसिस पर हम अलग अलग जगहों पर लॉन्च अटैक्स देख सकते हैं। साथ ही साथ दुश्मनों को मार गिराने के लिए इसमें प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स का भी यूज किया गया है। इसके अलावा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगर हम गैदर करें INS खांदेरी के बेसिस पर, INS खांदेरी को हम किसी भी ट्रॉपिक्स में ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मीन्स एंड कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग गैजेट्स, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स का यूज किया गया है, जो कि अलग अलग वॉरफेयर सिचुएशन में हमें काम आ सकती है। जैसे कि बात अगर एंटी सरफेस वॉरफेयर की हो, तो वहां पर भी INS खांदेरी काम आएगी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इंटेलिजेंस को गैदर करना हो, या फिर डेटा को लेके आना हो, या फिर एरिया सर्वेलेंस करना हो, सबके लिए INS खांदेरी काम बढ़िया करेगी। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट 75I की बात करें, तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग ऐसे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी। यहां पर मतलब डीजल से भी ये चलेंगी और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास सबमरीन का फॉलो ऑन है प्रोजेक्ट 75I। इसके अलावा जो हम ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, INS कलवरी और INS खांदेरी, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। इसके अलावा INS करंज, INS वेला, वगीर और वगशीर, ये बाकी के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल बना ही नहीं है या फिर किस फेज में है, सब थोड़े थोड़े बन चुके हैं। जैसे कि INS करंज है, अब ये भी हाल फिलहाल में इसके टेस्टिंग वगैरह चल रहे हैं। INS वेला, वगीर, वगशीर, ये सब ऐसे हैं जो कि 2022 तक आते आते इन सबको हम कमीशन कर देंगे। इन सभी के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है। इसका बेसिस ये होगा कि ये लंबे समय तक किसी भी एक जगह पर टिके रह सकते हैं पानी के अंदर ही। जैसे कि ये अगर बड़ा सा पानी का अगर हम एक स्पेस ले लें, ये डेप्थ दिखा रहा है, तो अगर इस सबमरीन को यहां पर टिके रहना है, तो यहां पर क्या होगा कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होगा, जिसके बेसिस पर ये इसी लेवल पर जितने देर चाहे लंबे समय तक ये टिक सकती है। यहां पर अगर हम प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की हम बात करें, तो 2017 में ही INS कलवरी को इंडक्ट कर लिया गया था। इसके अलावा जो कि हमने बात किया, 2022 तक आते आते इन सभी 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को हम कमीशन कर देंगे। अगला आर्टिकल हमारा इशात हुसैन वर्किंग ग्रुप से रिलेटेड है। इशात हुसैन जो है, ये SBI फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि जब इस बार का बजट निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था, तो उन्होंने एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात की थी।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ऐसे कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। अगर इनको कहीं से भी फंड रेज करना होता है तो कभी भी ये स्टॉक एक्सचेंज का सहारा नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। लेकिन उस टाइम पर क्लियर नहीं किया गया था कि ये किसके अंदर रहेगा या फिर कैसे ऑपरेट होगा। उसी के लिए सेबी ने फिलहाल अभी एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है इसात हुसैन की अध्यक्षता में, इसीलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। इनका यही काम होगा कि ये रिकमेंड कर पाएँ, पूरा सिचुएशन को एग्जामिन कर पाएँ कि अगर हम सिक्योरिटी मार्केट में अगर इन सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंड रेज करना होगा तो इसके बेसिस पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए जा सकते हैं या फिर कैसे ये फंड रेज कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि जो इसके टोटल बेनिफिशरीज हैं, जितनी महिलाएं इनके अंदर बेनिफिशरीज हैं, वो अभी हाल फिलहाल में 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इस माइलस्टोन को क्रॉस करने के लिए ये न्यूज़ में आया है वापस से। अब अगर आप बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का, तो आप समझ सकते हो कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं या फिर लैक्टेटिंग वुमेन हैं, इनको एक इकोनॉमिक सपोर्ट करने का काम ये स्कीम करती है। इस स्कीम के अंदर में जो भी ऐसी वुमेन हैं, आपको पता होगा कि इनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनको न्यूट्रिशन के फुलफिलमेंट के लिए भी कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाता है। साथ ही साथ आप समझते होंगे कि इस सिचुएशन में ये वर्क नहीं कर सकती हैं, तो यहाँ पर इनको वेज लॉस होगा, तो इस वेज लॉस को भी कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट इनको कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट इनके डीबीटी के फॉर्म में क्रिएट करता है। डीबीटी मतलब डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर, इनके अकाउंट में सीधे इनके पैसे चले जाते हैं। ये ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे 5,000 रुपये हर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन जो भी हों उनको मिलता है, लेकिन ये 5,000 इकट्ठे नहीं आता है, ये 3 अलग अलग फेजेस में हम इसको देखते हैं। इस पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा और ये 2017 का ये पूरा स्कीम है। इसके अंदर जो हम 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे थे, उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो कि इनको फुलफिल करना पड़ता है। सबसे पहला कि जब ये प्रेगनेंसी के लिए रजिस्टर करती हैं ऐसी महिलाएं, तब इनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा पैसे मतलब कि सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जब वो बच्चे के बर्थ के लिए रजिस्ट्रेशन करती हैं या फिर एंटीनेटल चेकअप कराने आती हैं, तो उस टाइम पर कुछ पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और फाइनली जब अपने बच्चों का पहला वैक्सीनेशन साइकिल कंप्लीट करा लेती हैं, तो उसके बाद भी इनको कुछ पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। ओवरऑल ऐसे 5,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अलावा एक और स्कीम है, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना बेसिकली एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर हम लोग मैटरनल मोर्टैलिटी रेट या फिर चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट को कम करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत पूरा मिला के यहाँ पर भी कुछ एक इकोनॉमिक सपोर्ट ही दिया जाता है जननी सुरक्षा योजना के अंदर भी। इन दोनों स्कीम्स को मिला के ओवरऑल कोई भी एक महिला लगभग लगभग 6,000 रुपये तक का इनको इकोनॉमिक सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। अगला आर्टिकल हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम बेसिकली आप ऐसा समझो कि कोई भी डिस्ट्रेस सिचुएशन में अगर कोई पर्सन है तो उसको अगर हेल्प चाहिए तो वो कहाँ कॉल करे, किसको बुलाए उस समय, तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड 112 एक इमरजेंसी नंबर है जिसके बेसिस पर आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, एसएमएस भी कर सकते हो और 112 के नाम से एक ऐप भी है, आप अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेशली ये विमेन और चिल्ड्रेन को देखते हुए ये पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम डिजाइन किया गया है। इस पूरे सपोर्ट सिस्टम को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक निर्भया फंड बनाया गया था 2013 में। आपको याद होगा कि एक ग्रूसम गैंगरेप केस 2013 में हुआ था, इसके बाद से ही ये फंड का निर्माण हुआ है और इस फंड के अंदर ही हम ऐसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसको हम लोग इस निर्भया फंड के ऊपर बेस रखते हैं। अब इन सबसे होगा क्या, बेसिकली देखो क्राइम का रेट कम करने के लिए आप ऐसे रिस्पॉन्स सिस्टम को डेवलप करते हो या फिर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए भी आप ऐसे रिस्पॉन्स सिस्टम को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हो, जिससे कोई भी पर्सन स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन डिस्ट्रेस के सिचुएशन में हो तो इस फैसिलिटीज का यूज कर पाए। इस फैसिलिटी में होगा क्या कि जो भी कंप्यूटर एडेड फील्ड रिसोर्सेज आपके पास आपके लोकेशन तक पहुंचाने के योग्य में होंगे ये लोग, वो डिस्पैच कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम स्पेशली निर्भया फंड की बात करें तो ये एक प्रकार का सपोर्ट इनिशिएटिव था। अब इस इनिशिएटिव के अंदर में ऐसे बड़े बड़े फंड्स को हम यूज़ करते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम उनमें से एक पार्ट है। इसके अलावा सेंट्रल विक्टिम कंपेंसेशन फंड या फिर विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में कोई भी साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए हम इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। वन स्टॉप स्कीम जो कि वुमेन इन डिस्ट्रेस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए ये स्कीम बनाया गया था। महिला पुलिस वॉलंटियर मतलब कि हमारे आपके बीच में से कोई एक महिला को चुना जाएगा जिसके बेसिस पर उस समाज में हो रहे कोई भी क्राइम को वो पुलिस तक रिपोर्ट करेगी और इसके बेसिस पर वो महिला पुलिस वॉलंटियर भी बनेगी। इसके अलावा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन स्कीम के लिए भी हम निर्भया फंड का यूज़ करते हैं।
अगला आर्टिकल हमारा गंदन तांगछेंगलिंग मोनास्ट्री से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि मंगोलिया के कैपिटल उलान बातार में ये जो मोनास्ट्री है, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा और इनके दो डिसाइपल्स के स्टेचू को इंस्टॉल किया गया था। इसको अनवेल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया गया था। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप थोड़ा सा बस इसको मैच द फॉलोइंग में कभी कभी यूपीएससी आपसे पूछ लेता है कि ये जो गंदन तांगछेंगलिंग है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप बता सकते हो कि ये मंगोलिया में है। इसके अलावा ये मोनास्ट्री मंगोलियन बुद्धिस्ट का एक प्रोमिनेंट सेंटर है, साथ ही साथ जो ये बुद्धिस्ट हेरिटेज होते हैं इनके लिए बहुत ही पवित्र स्थान का काम करता है ये। इसीलिए यहाँ पर 11वां जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस भी ऑर्गेनाइज किया गया था अभी जून 2019 में, और ये कॉन्फ्रेंस 50th एनिवर्सरी मार्क कर रहा था इसके, इस पूरे पीस कॉन्फ्रेंस का। अगला आर्टिकल हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में ये डिसाइड किया है कि हम CSR नॉर्म्स के स्कोप को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। मतलब कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर ये CSR के प्रावधान में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पैसे लगा सकती हैं उनको सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा है क्यों? क्योंकि आप समझो कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं आखिरकार ये इन्वायरमेंट से ही तो रॉ मटेरियल लेती हैं, इवन ऐसे मजदूरों से ये काम कराती हैं जिससे इनका प्रोडक्शन बढ़ता है, तो आखिरकार इनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि जब ये इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो इनमें से कुछ छोटा सा हिस्सा वो इन लोगों को भी समर्पित करें, मतलब इन्वायरमेंट में समर्पित करें, या फिर जिन लोगों से ये काम करा रहे हैं उनके सोशल वेलफेयर के लिए करें। तो यही होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनिशिएट हुआ था। इसके बाद ऐसी कंपनीज या फिर ऐसे बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर एक साल में 1,000 करोड़ रुपए या फिर इससे ज़्यादा हो, या फिर इनका जो नेट वर्थ कैपिटल है वो 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर साल भर में इन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा लिए हो, इन सभी केसेस पर क्या होगा कि इनको अपने पुराने पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालना पड़ेगा। उसका 2% हिस्सा जो है उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो स्कोप को हम एक्सपैंड करने की बात कर रहे थे, तो पहले तो ऐसा था कि केवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट जो भी पड़ता है इन्हीं सब बेसिस पर ये लोग CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते थे। सोशल इम्पैक्ट में जैसे कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर दिया, वुमेन को एम्पावर करने की बात कर दी, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, हंगर को इरेडिकेट करने के लिए, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को सप्रेस करने के लिए, इन सभी जगहों पर रूरल डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा दिए, इन सब जगहों पर ये पैसे लगाते थे। लेकिन अब इसका जो स्कोप एक्सपैंड किया गया है उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी आएंगे, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में भी जो भी रिसर्च वगैरह होते हैं इसके अंदर भी अगर वो पैसे इन्फ्यूज करते हैं तो उसको भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल था आज का। देख लेते हैं कि शुरू से हमने कौन कौन से आर्टिकल्स को आज डिस्कस किया है। सबसे पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट हैबिटेड विलेज जो कि विजयनगर है। इसके अलावा हमने INS खांदेरी पर चर्चा किया, इशात हुसैन वर्किंग ग्रुप के बारे में पढ़ा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में पढ़ा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, गंदन तांगछेंगलिंग मोनास्ट्री के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। तो यही आज का पूरा डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव ए नाइस डे।